सदर पुलिस ने वाहन चोरी और नागरिकों के हाथ से मोबाइल झपटकर भागने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में उदय बंटी मलिक, नितिन सुधाकर कुर्रेवार और मंथन संतोष खोबरागड़े का समावेश है। पुलिस ने आरोपियों से 15 मोबाइल और 3 दुपहिया वाहन जब्त किए हैं। सदर मामले में फिरियादी राजनगर छावनी निवासी सत्यन जोगिंदर सिंह वर्मा है। गत बुधवार 22 मई की रात वर्मा अपने घर के पास ग्रीन लॉन के सामने से मोबाइल पर बात करते हुए जा रहे थे। इस दौरान एक दोपहिया पर आए दो अज्ञात युवक उनके हाथ से जबरन मोबाइल झपटकर फरार हो गए थे। फिरियादी की शिकायत पर सदर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। तकनीकी जाँच के बाद पुलिस ने नंदनवन के उदय मलिक को दोपहिया सहित हिरासत में लिया। उसे दुपहिया के दस्तावेज मांगने पर उसने दुपहिया अपने साथी नितिन के साथ मिलकर कुही से चुराने की कबूली दी। उसके पास के मोबाइल को लेकर पूछने पर उदय ने मोबाइल मंथन के साथ मिलकर लूटने की जानकारी दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। अब पुलिस स्टेशन सदर रहते दिनांक 22/5/24 रोजी फिरियादी सत्येंद्र शर्मा राणा राजनगर यांचा संध्याकाळच्या वेळेस ते मोबाईलवर बोलत असताना दोन तरुण मुलांनी 20-25 वयोगटातील अनोळखी मुलांनी ॲक्टिवा गाडीवर येऊन त्यांच्या कानाजवळ असलेला मोबाईल हिसकवून पळून गेले होते। त्यावरून पोलीस सदर येथे 392/34 भारतीय दंडविधान संहिता अन्वये अनोळखी आरोपीविरुद्ध गुन्हा नोंद केला होता। त्यामध्ये गोपनीय बातमीदार आणि तांत्रिक तपासाच्या सहाय्याने पोलीस स्टेशन सदर येथील टीमने अथक प्रयत्न घेऊन त्यातले आरोपी निष्पन्न केलेले आहे। त्याच्यामध्ये 3 आरोपी अटक केलेले आहे। यांची MOB शहरामध्ये अशी होती की ज्यावेळेस संध्याकाळची वेळ किंवा सकाळच्या वेळेस ज्यावेळेस लोक वॉकिंग करत असतात घरासमोर आणि जो आयसोलेटेड एरिया असतो त्या ठिकाणी जायचं आणि अचानकपणे मागचा जो आरोपी आहे तो ते मोबाईल स्नॅच करून पळून घेऊन जायचे। तर त्या याच्यामध्ये बरेच CCTV फुटेज, तांत्रिक तपास आणि मोबाईलचा तपास, गोपनीय बातमीदार यांच्यावरून 3 आरोपींना आम्ही अटक केलेली आहे। त्या अटकेदरम्यान आम्हाला तपासादरम्यान सध्या आरोपी PCR मध्ये आहे। PCR दरम्यान अनेक गुन्हे उघडकीस आलेले आहे। पोलीस स्टेशन सदर येथील 2 चोरीचे गुन्हे, कुही पोलीस स्टेशन येथील 1 चोरीचा गुन्हा, पोलीस स्टेशन सदर येथे 2 392 गुन्हे डिटेक्ट झालेले आहे। पोलीस स्टेशन अंबाझरी इथला 1 392 गुन्हा डिटेक्ट झालेला आहे। तसेच पोलीस स्टेशन कोतवाली येथील 1 गुन्हा डिटेक्ट झालेला आहे। यामध्ये आतापर्यंत तरी 15 मोबाईल आणि 3 व्हेकल आपण जप्त केलेले आहे। त्याची जप्त मुद्देमालाची किंमत असेल 2,69,000 आसपास आहे आणि याच्यामध्ये अनेक आता PCR दरम्यान अनेक बाबी समोर येत आहे। तर त्यामध्ये इतरही पोलीस स्टेशनचे गुन्हे डिटेक्ट होण्याची शक्यता आहे। मोबाईल छिनाछपटी, बाइक चोरी के मामलों में युवा वर्ग का सहयोग अधिक नजर आ रहा है। ऐसे में पुलिस ने इस तरह के आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि यह लोग आगे मामलों में अंजाम ना दे सके। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंखलवार, BCN न्यूज़ नागपुर।